वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सफर की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ नई वाले स्विफ्ट। हम थोड़ा पिलर लाइट वगैरह लगा रहे हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या लगने वाला है। जैसे कि अभी आप थोड़ा बहुत देख लो, डिफ्यूजर वगैरह लग गया है, स्पीकर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है। शुरू करता हूँ इस वीडियो को और दिखाता हूँ आपको क्या क्या लग गया है इस गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पर अभी काम जो चल चुका है वो हमने यहाँ पर स्विफ्ट में जहाँ पर जगह नहीं होती है, और यहाँ पर हमने ये ऐप लाइट जो होती है वो लगा दी है, ठीक है। और इसके साथ साथ पैरट हो भाई, थोड़ा सा हटाना पड़ेगा तुम्हें। स्विफ्ट की जो इसका फ्लाइट आती है वो लगा दी है हमने, ठीक है। इसका पूरा लुक जब गाड़ी पूरी हो जाएगी उसके बाद, क्योंकि अभी सीटें वीटें लगनी बाकी है। इसके साथ साथ अभी थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा इसका, अभी है फिलहाल के लिए नॉर्मल वाला स्टीयरिंग, ठीक है। और नॉर्मल वाला स्टीयरिंग में अभी हमें आप यहाँ पे बटन फिट करने वाले हैं, तो वो कैसा वाला होने वाला, कैसे फिट होगा, वो चीज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। भाई बाहर खड़ा है जो कि इसके अंदर फिट करेगा अभी अंदर आके, और कैसी फिटिंग रहने वाली है। ये हमने यहाँ पे नॉन्ची वाला जो हमारा प्लेयर होता है वो लगा दिया। इसके साथ साथ थोड़ा सा इंटीरियर चेक कर लो, यहाँ पर लाइट लगा दी हमने वही वाली ऐप लाइट जो हमारी आती है, ठीक है। और ये एम्बियंट लाइट भी बोलते हैं, इसमें कई तरह के कलर होते हैं, वही है ना, कलर वाली है ना, कई वाली कई तरह के कलर वाली है। और उसके बाद हमने फिटिंग किस तरह की दी वो बता देना एक बार, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या क्या चीज लगी है थोड़ा सा लेके चलता हूँ पीछे की तरफ, क्योंकि हमारे पीछे वाले गेट में भी लाइट लगी हुई है, और इस साइड भी अगर आप देख सकते हो, ठीक है। और रात में जो इसका लुक होने वाला इंटीरियर का जो लुक आएगा वो बता दूंगा। अच्छा, इसके नीचे वाली लाइट भी लगेगी क्या? नहीं, इसमें हमने हर्ट्ज का जो कंपोनेंट लगाया ना भाई, कंपोनेंट लगाया। और ये वाला हमारा कौन सा वाला होने वाला है? ये हमारा विकास भाई है, जो कि विकास भाई शक्ल दिखाओ यार एक बार, ठीक है। तो विकास भाई अभी हमारा इसके अंदर काम कर रहा है। अभी एम्प के अंदर सारी वायर वायर लग रही है, सारी वायर है, ठीक है, जो कि कुछ बिजली की है, कुछ स्पीकर्स की हैं, कुछ इसके ट्यूटर लगेंगे यहाँ पे, अभी यहाँ माउंट किए जाएंगे। उसके बाद जो साउंड जो आउटपुट आएगा वो सुना दूंगा। और अगर किसी को भी जो हिंदी गाने या पंजाबी गाने की साउंड अगर चेकआउट करनी है, तो मेरा चैनल, मेरा इंस्टाग्राम पे जो आईडी है सफर0612 के नाम से, उसको फॉलो कर लेना। और फॉलो करने के बाद आप वहाँ चेकआउट कर सकते हो हिंदी और पंजाबी सॉन्ग। और यहाँ पर तो आपको जो पता है NCS वाला सॉन्ग ही मैं आपको सुनाने वाला हूँ। इंटीरियर जो है वो गाड़ी का कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। और जिनकी गाड़ी है मैं उनसे बात कराने वाला हूँ सारा काम होने के बाद, उनको ये सारा काम कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया, और एक बार आप देख लो। तो यहाँ पे आ चुका है आपके सामने जो हमारी नई वाली स्विफ्ट है, इसका साइड मिरर आ चुका है, ठीक है, जो कि सबसे लो मॉडल जो होती है हमारी गाड़ी अलग साइड, उसके अंदर ये आता है, ठीक है। तो पीछे ब्लैक होता है और इसमें इंडिकेटर नहीं आता, तो उसके फेंटर में इंडिकेटर होता है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। हमने शीशा उतार लिया इसका, और इसके पीछे का जो कवर होता है वो कवर लगेगा, और उसके बाद DRL इसमें आ जाएगा। इसका कवर कैसे लगेगा एक बार लाल भाई इसको लगा रहे हैं वो बता रहे हैं। तो ये एक मिनट रुकना, ये DRL होता है हमारा, ठीक है, साइड मिरर का। और जो ये एक बार चेकआउट कर लो कैसा होता है, जो हमारा टॉप मॉडल के अंदर आता है और जो इससे ऊपर वाले मॉडल होते हैं उनमें DRL आता है, वही हम इसके अंदर लगाने वाले, जो कि इसके अंदर नहीं था। और इसके साथ साथ एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, इसका जो कवर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, इसमें ये वाला कट आ जाएगा और हमारा DRL लग जाएगा। एक बार जैसे ही फिटिंग हो जाती है इसकी पूरी, मैं आपको बता दूँ किस तरह से फिट होने के बाद लगता है। तो ये वाला अभी हमने इसका कवर चेंज कर दिया, और कवर के साथ हमने जो इसमें LED DRL जो आता है वो लगा दिया, ठीक है। एक बार लुक देख लो कैसा लग रहा है, और गाड़ी में जब भी फिट हो जाता है तो उसको दिखाता हूँ कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर मैंने जो आपको दिखाया था नॉर्मल वाला जो स्टेयरिंग था हमारा, वो अब हो चुका है हमारा स्टेयरिंग माउंट, तो इसमें लग चुके हैं, ठीक है। और अब ये रिमोट वाला बन चुका है, यानी कि जितने भी इसके कंट्रोल है वो सारे इससे वर्क करने लग गए हैं। और अगर मैं अप करता हूँ तो उधर आप देख रहे होगे, इधर से डाउन कर रहा हूँ तो उधर से साउंड इसकी डाउन हो रही है, ठीक है। और इसको अगर मैं प्रेस करूँगा तो इसका मोड भी चलता है, ठीक है, इसको दबाने पर ही। और नेक्स्ट वगैरह के लिए वाले बटन है, अगर आपको म्यूट करना है तो उसके लिए ये वाला बटन है, वहाँ म्यूट हो जाएगा, हट जाएगा। कॉल वगैरह पिक करने के लिए इसके यहाँ पर भी माउंट है। तो गाड़ी का जो इंटीरियर रखा है वो कुछ इस तरह का इंटीरियर रखा हुआ है, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले दिखा दिया था, एक बार आप दोबारा चेकआउट कर लो, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये चेकआउट कर लो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हो गई ब्लू लाइट है हमारी एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक है। सामान वान अभी लगेगा इसका सारा, और गेट वाला, इसका फ्लाइट और फ्लोरिंग, इसके बाद सीट्स लग रही हैं, एक बार सीट लग जाए उसके बाद मैं दिखाता हूँ। एक बार मैं लेके चलता हूँ गाड़ी के आगे की तरफ। तो ये आपके सामने आ चुकी है
हमारी नई वाली जो स्विफ्ट होने वाली है वो आ चुकी है, उसके अंदर हमने लगाया है, यहाँ पर हमने HID लगा दिया हमारी अल्फा वाली, उसका जो रिस्पॉन्स होने वाला है वो आपको चेकआउट करा दूंगा। उसके साथ साथ हमने DRL लगाया, DRL के साथ साथ यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। हमने यहाँ पे तो यहाँ हमने फॉग लाइट लगा दी है, ठीक है, फॉग लाइट में यहाँ पे एक DRL जलता है और साथ में ये प्रोजेक्टर वाला हेड फॉग लैम्प है। इसके साथ साथ सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल रही होगी। एक बार मैं इसकी एक पॉइंट ऑन करी हूँ, ठीक है, एक पॉइंट पे इसमें यहाँ पे देखो वाइट वाला बल्ब हमने अंदर लगाया ताकि इसके अंदर के जो लगे तो वाइट वाइट ही लगे, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे हमने एक DRL लगा दिया, ठीक है, हेडलाइट DRL बोलते हैं इसको। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मैट्रिक्स सॉरी ये DRL हमने फॉग लाइट जो DRL लगाया था वो वाला हो गया। इसके साथ यहाँ पे आपको DRL देखने के लिए मिल रहा होगा, ये हमारा प्रोजेक्टर हो गया। तो यहाँ पर आपको जैसे कि मैं अभी इसका इंडिकेटर ऑन करता हूँ, एक बार इसके चारों इंडिकेटर जला दियो भाई, तो ये लुक रिस्पॉन्स चेकआउट कर लो, ठीक है। पास से अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे आपका DRL जो मैट्रिक्स में यहाँ पे DRL है और ये वाला भी, ठीक है, ये वाला हमारा मैट्रिक्स वाला नहीं होता बट ये नॉर्मल वाला है जो कि DRL पे वर्क करता है। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर जो लाइट में जो काम करी दिया है, इसके साथ साथ यहाँ पे जो अल्फा वाली लाइट लगाई है, ये अल्फा वाली लाइट कैसी होती है एक बार मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। एक बार इसकी लाइट ऑन कर दियो, तो ये लाइट अभी अल्फा वाली हमारी ऑन हो चुकी है, ठीक है। अभी आपको मैं पास से दिखा रहा हूँ, इससे थोड़ा विजन दिख रहा होगा, धीरे धीरे करके ये पूरी HID होती है तो पूरी स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स चेकआउट करा देता हूँ, तो ये हमारी अल्फा का जो रिस्पॉन्स होता है वो था। और एक बार मैं इसको हाई लो करके दिखाता हूँ, तो ये इसका हाई हो गया, ये लो हो गया, अब मैं डिपर दूंगा तो कुछ इस तरह का डिपर का रिस्पॉन्स आएगा इसका, ठीक है, हाई लो का ये चीज़। यहाँ पर हमारे पास जो हमने इसके अलॉय के अंदर हमने DRL लगाया था, ठीक है, वही जो हमने लाइट ऊपर लाइट पे लगाया है यहाँ पे वही चीज़ हमने इसके अंदर लगा दी। एक बार मैं इसका बंद कर दियो भाई, एक बार मैं इसके इंडिकेटर बंद करवाता हूँ। जैसे इंडिकेटर बंद होंगे, एक पॉइंट ऑन कर, एक पॉइंट जैसे हम ऑन करेंगे हमारे लाइट ऑन होने के बाद ये हमारा अलॉय व्हील के अंदर लाइट आ गई, ठीक है। इसके साथ साथ जो पीछे वाला हमारा अलॉय व्हील होने वाला उसमें देखो किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। और गाड़ी के नीचे का रिस्पॉन्स एक बार चेकआउट कर लो, तो अभी ये हो गया। एक बार इंडिकेटर जला दे सारे, इंडिकेटर जलाने के बाद पहले बार तो यहाँ पे आप चेकआउट करो कैसा होगा, ठीक है। बेहतरीन वाला पीछे वाले टायर में तो बेहतरीन वाला लुक आ ही जाता है। इसके साथ साथ एक बार नीचे चेकआउट कर लो, गाड़ी के जो नीचे से भी बहुत बढ़िया वाली क्वालिटी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ इंटीरियर में जाने से पहले मैं एक बार पीछे की तरफ चलता हूँ लेके, एक बार पिलर लाइट भी चेकआउट करा देता हूँ उसकी। एक बार पिलर लाइट के लिए इंडिकेटर दोबारा अंदर बैठ जाए, एक मिनट के लिए ब्रेक ब्रेक मार के दिखा दियो एक बार ब्रेक करके। तो जो लाइट है कुछ इस तरह की है, ठीक है, जो कि अभी इंडिकेटर पर रनिंग कर रही है, ये हमारी पिलर लाइट रनिंग हो रही है, ठीक है। इसके साथ साथ इंडिकेटर बंद कर, इंडिकेटर बंद करवा दिए, नॉर्मल इसकी जो लाइट ऐसी होती है। एक बार ब्रेक पे पैर रखियो, ब्रेक मारती है हाई हो जाती है, छोड़, ठीक है, नॉर्मल होती है और जैसे ब्रेक दबाएंगे वैसे ही हाई हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार चेकआउट कर लो, ठीक है, ये इसका रिस्पॉन्स हो गया। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ के डिफ्यूज़र की बात करूँ तो गाड़ी में डिफ्यूज़र भी लग चुका है, और डिफ्यूज़र के साथ साथ जो रिस्पॉन्स है गाड़ी का पीछे से अगर मैं पूरी गाड़ी चेकआउट करा दूँ तो कुछ इस तरह की गाड़ी होने वाली है। और यहाँ पर अगर मैं गाड़ी के अंदर की तरफ चलूँ, एक बार मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, एक बार इंडिकेटर इधर चारों दोबारा जला दे, जो हमने यहाँ पे साइड मिरर लगाया था यहाँ पर भी हमारा इंडिकेटर रनिंग में हो गया, जो कि हमारे टॉप मॉडल वगैरह के अंदर लग के आता है, सेम उसी तरह का हो गया। और हमारा शीशा नहीं बदला, सिर्फ पीछे का ये चीज़ आती है इसकी, और ये DRL हो गया, हमने ये चीज़ बदल दी है, और ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा इसके लिए। एक बार चलते हैं गाड़ी के अंदर, सुनाता हूँ कि साउंड कैसी है इस गाड़ी की। तो गाड़ी में जब हम एंट्री कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको देखने के मिल रहा होगा, यहाँ पे एक लाइट हमने यहाँ पे लगाई है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अगर आप इसको कह लो एटमॉस्फेयर लाइट भी, एटमॉस्फेयर लाइट वो भी होती है, और ये इसको भी एटमॉस्फेयर लाइट या फिर आप इसे ऐप लाइट का नाम दे सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने पहले आपको दिखा चुका हूँ, यहाँ पे हमने हमारा SNS वाला जो हमने खुद की जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है Cree LED वाली, इसका प्लेट हमने यहाँ पे लगा दिया। इसके साथ चलते हैं गाड़ी के अंदर, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंटीरियर देखने के लिए मिल रहा होगा। एक बार मैं इसके शीशे ऊपर करवा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंटीरियर की गाड़ी का जो हमने रखा है वो कुछ इस तरह का होने वाला है। और एक बार मैं चलता हूँ नीचे की तरफ को लेके, यहाँ हमने ब्लू कलर की एटमॉस्फेयर लाइट लगा दी है, ठीक है, जो कि पूरा ब्लू ब्लू लग रहा है। इसके साथ साथ ये ऐप लाइट है जिसको आप ऐप से कंट्रोल कर सकते हो, कलर इसके चेंज हो जाते हैं, ठीक है।
ये पूरे यहाँ पे गेट पे लगी है। और ये हमारा जो 19 इंचेस का जो हमने एंड्रॉइड लगाया था वो चीज हो गई। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर वाइट बल्ब करा है, नहीं ये वाला वाइट नहीं हुआ है। आप अगर चाहते हैं तो जैसे पीला जलता है ये वाइट भी हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा आप इंटीरियर चेक कर सकते हो कि जो गाड़ी का इंटीरियर है सामने देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये पूरी लाइट कितनी बढ़िया लग रही है। ठीक है, स्विफ्ट के अंदर ये चीज लगाना बहुत ज्यादा, इंटीरियर देखो पीछे से कितना बढ़िया लग रहा है। ठीक है, नीचे लाइट भी आ रही है ब्लू वाली जो हमने आगे लगाई है, उसके रिफ्लेक्शन यहाँ तक आती है, तो काफी अच्छी लाइट भी है। और उसके साथ साथ एक बार मैं साउंड चेकआउट कराता हूँ गाड़ी की, क्योंकि थोड़ा सा इश्यू हुआ है मार्केट के अंदर, बट मैं यहाँ पे आपको गाड़ी के अंदर बैठ के एक बार साउंड चेकआउट कराता हूँ कि जो हमने इसके अंदर JBL वाली बेस ट्यूब लगाई है जो कि यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, मैं बाहर से नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज डिग्गी खोल नहीं सकता हूँ उस टाइम पर, कुछ इश्यू है। हर्ट्ज के हमने इसमें कंपोनेंट लगाए थे 4, और जहाँ पे इसको ट्यूटर भी लग रहा है, अगर आपको नाम देखना तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हर्ट्ज। इसके साथ साथ अगर मैं आगे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर भी हमने हर्ट्ज के, ये वाला हमारा माइक हो गया, उसके साथ साथ ये रहा हमारा हर्ट्ज का ट्यूटर, ये कंपोनेंट हो गया। ठीक है, एक बार मैं इसकी साउंड चेकआउट कराता हूँ कि गाड़ी की जो अंदर साउंड आती है वो किस तरह की आने वाली है। तो यहाँ पर मैं एक बार गाना प्ले कर रहा हूँ, हमारा NCS का जो गाना होता है वही प्ले कर रहा हूँ, उसके बाद एक बार साउंड चेकआउट कराता हूँ जो साउंड मैं अंदर से दिखा पाऊंगा इस टाइम पर। एक बार मैं अंदर से गाड़ी के अंदर अभी हूँ तो इस टाइम मैं आपको लाइट ऑन करता हूँ। ये सिर्फ मैंने अभी पार्किंग लाइट ऑन करी है। ठीक है, जिसमें DRL वगैरह या नीचे की फॉग लाइट जो है वो ऑन हुई है, एक बार चेकआउट कर लो कैसा लग रहा है बाहर। और उसके बाद अभी मैं HID ऑन करता हूँ, ये मैंने HID ऑन कर दिया, और HID का जो रिस्पॉन्स होने वाला वो देख लेना कैसा है। ये लो है, ये हाई है। ठीक है, सामने अभी दीवार है और ये HID 5 से 6 सेकंड लेती है पूरी चालू होने में, कोई भी HID होती है, बट हमने अभी अल्फा की 75 वाट की इसमें HID लगा दी है। तो ये चेकआउट कर सकते हो आप, डिप्पर भी देख सकते हो, एकदम एक नंबर इसको डिप्पर लग रहा है, ये देखो। ठीक है, तो ये चीज बहुत बढ़िया है। अगर किसी को भी अल्फा वाली जो HID अगर चाहिए तो ऑनलाइन ऑर्डर का जो नंबर आपके सामने आ रहा है उस पर आप कॉल कर सकते थे, HID वगैरह मंगा सकते हो। बाकी ये जो प्लेयर होने वाला है हमारा लाउड हंग का प्लेयर होने वाला है। ठीक है, सेम मेगा सोनिक का भी आपको मिल जाता है, अगर सेम जो फीचर आपको मिल रहे हैं इसके अंदर वो सारे मेगा सोनिक के अंदर भी होते हैं, जो कि बहुत बढ़िया प्लेयर है। और जो टच रिस्पांस है वो भी एकदम एक नंबर का बढ़िया वाला टच रिस्पांस का होने वाला है। ठीक है, सारी सेटिंग्स वगैरह इसमें वही रहती है जो नॉर्मल के हर एक एंड्रॉइड में मिलती है आपको, मोबाइल की तरह होता है पूरा। हॉटस्पॉट से कनेक्ट करने के बाद आपका पूरा ये एज इट इज मोबाइल की तरह काम करता है, जैसे अभी ये वाईफाई चल रहा होगा। इसके साथ इसमें आपको फंक्शन मिल जाता है वीडियो देखने का, यूट्यूब वगैरह चलाने का। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें मिल जाती है, प्लस इसके अंदर आप थीम वगैरह अगर चेंज करना चाहते हो तो थीम भी आप चेंज कर सकते हो। लाइक अगर आपको ये वाली थीम लगानी है तो आप ये वाली थीम भी चूज कर सकते हो, और ये थीम हमारी यहाँ पे लग जाएगी। सॉरी, मैं एक बार लगा के दिखा देता हूँ कैसे लगेगी। ये ओके कर दिया, अब ये थीम यहाँ पे आ गई। तो ये थीम लगाने पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स, मतलब बढ़िया लगता है। और सेम स्क्रीन आपने कहीं और भी देखी होगी, लाइक यहाँ पे हाइपरसोनिक लिखा होता है बट स्क्रीन ये मिलती है आपको, तो ये पूरा काम वो करती है और बहुत बढ़िया लग रहा है, अमेजिंग। ठीक है, क्वालिटी जो रहने वाली है इसके अंदर वही होने वाला हमारे, तो प्लेयर वही जो 2 16 वाला प्लेयर होता है वही वाला हमारा प्लेयर होने वाला है। ठीक है, और वीडियो का रिस्पांस मैंने आपको दिखाई दिया कि किस तरह का रिस्पांस है। बाकी जिसको भी देखना है वो इंस्टाग्राम पे जाओ, फॉलो करो Safar0612 SAFAR0612, और आप मुझे फॉलो करके ये सारी चीजें पंजाबी में, हिंदी में जो भी सॉन्ग मैं आपको सुनाता हूँ वो सुन सकते हो। हमने इसके अंदर जो बैक कैमरा लगाया है, तो एक बार मैं बैक गियर डालता हूँ और ये देख लो, ये बिल्कुल रात हो रही है उस टाइम पे जो रिस्पांस आ रहा है वो नाइट विजन का क्या बढ़िया रिस्पांस आ रहा है। ठीक है, तो कैमरा भी A1 क्वालिटी का अवेलेबल, अगर किसी को करना है ऑर्डर या फिर आके लगवाना तो आप लगवा सकते हो, तुरंत ही वो चीज़ आपको सामने आ जाएगी।
गाड़ी के साथ साथ जो गाड़ी की चाबी होने वाली थी वो एक नॉर्मल की थी, ठीक है, और गाड़ी में जो सेंटर लॉकिंग लगी हुई है वो कंपनी वाली जो सेंटर लॉकिंग आती है वही सेंटर लॉकिंग यानी कि कंपनी से ही फिट कराई थी इसके अंदर, और हमने चाबी इसकी बना दी है ये वाली, ठीक है। तो की चेकआउट कर सकते हो एक बार आप, ये देखो बढ़िया की फ्लिप की बोलते हैं इसको, और ये आपको सेम आपकी या तो आप अपना सेंसर लगा सकते हो, बाकी गाड़ी लॉक भी होगी और अनलॉक भी होगी, ठीक है। तो ये फीचर आपको गाड़ी के अंदर मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने इसमें लाइट लगाई थी ऐप लाइट, एक बार मैं उसका कलर चेंज करके दिखाऊंगा, ऐप दिखाना भाई एक बार। तो यहाँ से भाई अगर इसको स्क्रॉल कर रहा है तो वहाँ पे कलर चेंज हो रहे हैं, घुमाना भाई गोल गोल घुमा दो एक बार, ठीक है। यहाँ पर जो भी मैंने अभी आपको साउंड चेकआउट कराई है वो साउंड एक नॉर्मल, ज़्यादा मैंने फुल नहीं कर पाया बिकॉज यहाँ पे कुछ इश्यू था मार्केट के अंदर अभी, दैट्स वाई मैं फुल नहीं कर पाया, बट इसकी जो साउंड है वो ऑसम होने वाली थी। इसके बाद मैं एक बार जिन भैया की गाड़ी होने वाली है मैं उनसे बात कराया था एक बार कि जो भैया के साथ आ रखे हैं उनसे बात करता हूँ, गाड़ी में जो अभी सामान लगा है वो सारे सामानों चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं कि किस तरह का लगा और जो क्वालिटी आई है वो किस तरह की आई है, उनको अच्छी लगी कि नहीं लगी, एक बार मैं भैया से की तरफ लेके चलता हूँ। और यहाँ पर मेरे साथ भाई बैठे हुए हैं, भैया एक बार अपना नाम बता दो। मोहम्मद अरसल गाजी। मोहम्मद अरसल गाजी भाई का नाम होने वाला, और भाई कहाँ से आ रखे हैं? लखनऊ से। लखनऊ से भाई आ चुके हैं। भाई अभी आपने इसके अंदर जो भी सिस्टम लगवाया है लाइक साउंड सिस्टम, लाइटें वाइटें, जो भी चीज आपने लगवाई है वो अभी तक आपको कैसी लगी? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लगी है। और दोबारा अगर आप इस तरह का कोई भी सामान लगवाते हो तो रिकमेंड करोगे कि वापस आए और करोलबाग के अंदर? ठीक है। तो भाई कह रहे हैं कि उनको ये चीज करने, जो भी सामान उन्होंने लगवाया इस चीज में काफी ज्यादा मजा आया कि हाँ इन्होंने जो चीज लगवाई है वो सारी नाप तोल के वैसे तो आपने लगवाई है, जो चीज पसंद थी सिर्फ वही लगवाई है, फालतू कोई सामान नहीं लगाया, जैसे अलॉय व्हील भाई को जो पसंद थे सिर्फ भाई ने वो लगवाए। तो भाई पहले बात तो आप ये बता दो हमारे व्यूअर्स को कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है भाई? आप लोग भाई का चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है, क्योंकि भाई अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो भाई को कल हम भी आगे कहीं ना कहीं, जब भाई मिलेंगे हमें तो हम भी भाई को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना, वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ बिकॉज इससे ज्यादा वीडियो मैं इस वीडियो को दिखा नहीं पा रहा हूँ, बाहर से मैंने गाड़ी जितनी दिखा दी है उतनी इनफ थी, बाकी मैंने सारी चीजें फिलहाल के लिए दिखा चुका हूँ, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। और इस अगर वीडियो का जो पंजाबी सॉन्ग में अगर आपको साउंड सुननी है तो Suffer0612 इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, उसका आपको पंजाबी सॉन्ग में इसकी साउंड समझ में आएगी, मतलब सुनने को मिल जाएगी वहाँ पे। फिलहाल के लिए खत्म करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद जय भारत।